रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी पुलाव आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपने पुलाव में पहले कभी नहीं डाले होंगे। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच घी। जी हाँ, कश्मीरी पुलाव आप घी में ही बनाइए। घी गर्म होने के बाद आप उसमें डालें काजू और बादाम। बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इनमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। तो आप देखें, ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से हो चुके हैं। अब आप इसको निकालें और अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी हम सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ये फूल जाएंगी, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो आप देखें, ये हो चुकी है। अब आप डालें 1 चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे इलायची, लौंग, जीरा, तेजपत्ता, स्टार अनीस, सौंफ और दालचीनी। जी हाँ, तो ये कश्मीरी पुलाव जो बनता है बहुत ही रिच फ्लेवर इसमें है, बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, बहुत अच्छे खड़े मसाले जाते हैं, तो इनका टेस्ट और खुशबू बहुत लाजवाब होती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने पतले पतले काट लिया है और उसके जो लच्छे हैं वो निकाल दिए हैं। तो इससे क्या होगा, जनरली कश्मीरी पुलाव में लोग फ्राइड अनियंस डालते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है रेसिपीज़ को सिंप्लीफाई करें, तो अलग से हम बहुत सारे तेल में फ्राई करने की बजाय यहीं पे हम घी में अपने अनियंस को अच्छे से कुक करेंगे। आप बस ध्यान रखें स्लाइस उसके पतले रहें ताकि जो कलर है वो अच्छे से आ सके उसमें डार्क ब्राउन। तो आप देखें 5 से 6 मिनट बाद हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, उनके पतले स्लाइसेस को ज़रूर आप अलग अलग करें प्याज को, उससे वो आसानी से कुक हो पाएंगे। अब मैंने डाली है जिंजर गार्लिक पेस्ट, की बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू ऐड करेगी इस कश्मीरी पुलाव में। बट अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये चिपके नहीं। तो देखिए, बिल्कुल मज़ेदार लग रहे हैं और ये रेडी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। ये मैंने चावल को आधे घंटे तक भिगो लिया था। आप बासमती या रेगुलर कोई भी राइस ले सकते हैं। पानी का रेशियो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर 1 कप चावल है तो पानी आपका 1.5 कप होगा। सेम ग्लास या कटोरी से आप पानी और चावल को मेजर करें। आप देखें अनियंस बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने फ्राई किए हैं। अब आप इसमें डालें इलायची का पाउडर और उसी के साथ सौंफ का पाउडर। अब हम डालेंगे ड्राइड हमारे फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे, उसी के साथ टूटी फ्रूटी। जी हाँ, कश्मीरी पुलाव थोड़ा स्वीटर साइड होता है, तो हमने इसमें स्वीटनेस ऐड की है किशमिश से, टूटी फ्रूटी से। एंड में लोग इसमें फ्रूट्स भी डालते हैं। मैं चीनी डालना पसंद नहीं करती, बट अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्वीटनेस चाहिए तो आप इसमें 1/2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। ये केसर को मैंने गर्म पानी में 10 मिनट तक सोक किया था, अब हम ये भी डालेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे देसी घी। जी हाँ, अगर आप मेरी पुलाव की रेसिपीज़ देखते हैं, आपको पता है मैं देसी घी ऊपर से ज़रूर डालती हूँ। मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप उनको चेक करें। तो अब हम 1 विसल आने तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 1 विसल के बाद आप देखें पुलाव हमारा अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, कश्मीरी पुलाव में सबसे अच्छी चीज़ फ्लेवर और खुशबू बहुत होती है। आप देखें इसका क्लोज़अप बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप इसको गार्निश करें अनार के साथ, फ्रेश एप्पल्स के साथ, पाइन एप्पल्स के साथ और इन्जॉय करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।